दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए बिजनेस आइडियाज और नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, मैंने अभी तक 8 से 10 ऐसे पेपर बैग मैन्युफैक्चर को देखा है जो मैनुअल पेपर बैग बना के और दूसरों के यहाँ पेपर बैग को प्रिंट करा के अपने ठेले के जरिए अपने तैयार बैग को अपने कस्टमर के पास पहुँचाते थे। और दोस्तों, आज इनके पास उनकी खुद की अच्छी फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक पेपर बैग मशीन और अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं। दोस्तों, उन्होंने 5 से 6 साल में अपने पेपर बैग के बिजनेस को अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो है बट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उससे कहीं ज्यादा है। आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। दोस्तों, प्लास्टिक बैन होने के कारण पेपर बैग्स काफी ज्यादा यूज लगे हैं। आजकल मॉल्स, हॉस्पिटल्स, गारमेंट शॉप, स्वीट शॉप, फूड रेस्टोरेंट या और भी दूसरी जगह पे पेपर बैग का यूज काफी मात्रा में होने लगा है। गांव से ज्यादा शहरों में इसका यूज होता है। दोस्तों, ये बैग जितनी आसानी से मैन्युफैक्चर होते हैं बिकते उतने ही महंगे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में प्लास्टिक बैग्स के यूज बिल्कुल बंद हो जाने वाले हैं और इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ये देखने में काफी खूबसूरत और इको फ्रेंडली होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि हम कैसे अपना खुद का पेपर बैग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे पेपर बैग बना सकते हैं, कैसे अपने माल को बेच सकते हैं, कितनी लागत आएगी और हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो देखते हैं। पेपर बैग वातावरण को शुद्ध रखने में काफी सहायक है। बड़े बड़े ब्रांड भी आजकल पेपर बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। पेपर बैग की सबसे अच्छी बात यह है कि आराम से कहीं भी फिट हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पेपर बैग का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये बैग प्लास्टिक के मुकाबले काफी बेहतर है और इन बैग की खासियत ये है कि इन्हें आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। पेपर का रोल लगाना होता है जिसके जरिए मशीन पेपर के रोल से पेपर बैग बना देती है। ये मशीन शीट फैट के कंपैरिजन तेज होती है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन देती है, बट शीट फैट से थोड़ी महंगी भी होती है। दोस्तों, इस मशीन की ट्रेनिंग आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो अपना एक इंजीनियर आपके पास भेज देंगे जो आपके मशीन के इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपके ऑपरेटर को इसकी ट्रेनिंग भी दे देगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर आप प्रिंटिंग मशीन भी लगाना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन भी खरीदनी पड़ेगी जिसके जरिए आप अपने पेपर पे कस्टमर के डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं। बट बेहतर होगा दोस्तों की शुरुआत में आप प्रिंटिंग कहीं बाहर से करा लें, क्योंकि ये मशीन थोड़ी महंगी आती है और इसके लिए आपको कलर और प्रिंटिंग की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। या फिर आप 2 या 3 कलर की प्रिंटिंग वाली पेपर बैग मशीन भी ले सकते हैं। ये मशीन नॉर्मल पेपर बैग मशीन से थोड़ी महंगी आती है। वैसे नॉर्मल पेपर बैग मशीन 1 घंटे में 7,000 से 8,000 पेपर बैग का प्रोडक्शन बड़ी आसानी से कर देती है। पेपर बैग मेकिंग मशीन के साथ साथ आपको 2-3 छोटी छोटी मशीन की और जरूरत पड़ेगी, जैसे रॉक मेकिंग मशीन जिसके जरिए आप अपने बैग के हैंडल बनाएंगे, उसके अलावा आईलेट मशीन और कटिंग मशीन जो बैग में आईलेट लगाने के या फिर बैग के लिए सिल्क काटने के काम में आएगी। और पेपर बैग मेकिंग मशीन के सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। दोस्तों, पेपर बैग को तैयार करने के लिए मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो क्राफ्ट पेपर ही होता है, व्हाइट क्राफ्ट और ब्राउन क्राफ्ट। आप पेपर की शीट्स या फिर पेपर के रोल खरीद सकते हैं। पेपर का प्राइस उसके जीएसएम के अनुसार बढ़ता और कम होता रहता है। पेपर बैग के लिए नॉर्मली 100 जीएसएम से 350 जीएसएम के पेपर लगते हैं और आपको इतने जीएसएम का पेपर 40 से 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। बड़े बड़े शहरों में आपको इसके बहुत से वेयर हाउस भी मिल जाएंगे। वैसे बहुत से पेपर मिल रहे हैं जो केवल पेपर का ही रोल मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आईटीसी, खन्ना पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल इत्यादि। दोस्तों, बैग का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा और इन साइज के हिसाब से आप अपने पेपर रोल या पेपर शीट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए इंक्स और चिपकाने के लिए ग्लू की भी जरूरत पड़ेगी और पैक करने के लिए कुछ पैकिंग मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे प्लास्टिक की पन्नी या फिर रैपिंग रोल। दोस्तों, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन के जरिए काफी आसानी से हो जाता है। आप एक ऑपरेटर और एक हेल्पर के जरिए इस मशीन के द्वारा बड़ी आसानी से पेपर बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मशीन को बस चलाने आना चाहिए, उसके बाद बाकी का सारा काम ये मशीन खुद कर देती है। हमें मशीन में पेपर बैग के साइज की सेटिंग करनी होती है और फिर मशीन के एक सिरे पे पेपर रोल को लगा देना होता है। वैसे प्रिंटेड बैग बनाने के लिए हमें रोल प्रिंट करा के मशीन में लगाना होता है और फिर ये मशीन उस साइज के बैग बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद उस बैग को हम हैंडल लगा के 100, 500 या 1000 का पैकेट बना बेचने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें जिस साइज का बैग बनाना हो उस साइज के हिसाब से ही पेपर रोल ऑर्डर करें या फिर स्टैंडर्ड साइज के ही पेपर रोल खरीदे, जैसे कि 715 mm, 760 mm, 804 mm विड्थ में। इससे हमारा पेपर का वेस्टेज कम आएगा। वैसे बिजनेस शुरू करने के बाद आप रॉ मटेरियल कैलकुलेशन अच्छे से सीख जाएंगे।
दोस्तों अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ। पेपर बैग बिजनेस में दो तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे पहला फिक्स कैपिटल जिसके अंदर लैंड मशीनरी और अन्य सारे खर्चे आते हैं और इसके लिए आप बैंक में टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल जिसके अंदर आपके दूसरे खर्चे आते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे, और आप इसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन यानी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफी बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आप लोन के लिए भी अप्लाई कर लोन पा सकते हैं। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई एक आदमी सिर्फ मार्केटिंग का काम संभाले और अलग अलग जगहों पे जैसे कि मॉल, बेकरी शॉप, चप्पल शॉप, जनरल स्टोर, रिटेल आउटलेट, गारमेंट शॉप या फिर होटल रेस्टोरेंट में घूम घूम के आप पेपर बैग की क्वालिटी का प्रचार कर साथ।
बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।